दोस्तों आज 14 मार्च 2019 है और कल 15 मार्च 2019 है और कल 15 मार्च 2019 के तहत भारत में 15 नए नियम लागू होने वाले हैं। लेकिन साथ ही में आपको बता दें, आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, ये खबर बहुत दिनों से चल रही है। सरकार ने आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर जो नया नियम लागू किया है, उसके तहत पूरे देश के लोगों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, जो भी देश का नागरिक है उसको इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सरकार ने आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर जो नया नियम लागू किया है, उसके तहत सभी लोगों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है, वरना आने वाले दिनों में आपको अपने बैंक में या आप जहां पर भी कोई अपना प्रूफ लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी जरूरी खबर के बारे में बताएंगे कि सरकार ने क्या नया नियम लागू किया है और आप उसका पालन कैसे कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। साथ ही में जो कुछ और नए नियम लागू होने वाले हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन साथ ही में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर सरकार जो नया नियम लागू करने वाली है, उसके बारे में बताने से पहले आइए आपको वो 15 नियम बता देते हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, पहले नंबर पर जो नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक और 10 का सिक्का ना लेने वालों के लिए जरूरी खबर, RBI ने दिया ये निर्देश। जी हां दोस्तों, शायद आपको इसका सामना करना पड़ता होगा कि आपसे कोई एक का सिक्का या 10 का सिक्का नहीं लेता होगा। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से इन सभी लोगों के लिए खबर आई है और इन लोगों के बारे में बताया गया है कि अभी मार्केट में जो भी सिक्के चल रहे हैं, चाहे वो छोटा एक का सिक्का हो, चाहे वो कैसा भी 10 का सिक्का हो, वो पूरी तरीके से वैध हैं। अगर कोई इसका लेने से इनकार करता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जा सकती है, जो भी अपराधी होगा उसको सजा दी जाए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर में गैस सिलेंडर रखने और बुकिंग के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जी हां दोस्तों, जल्द ही देश के बहुत सारे राज्यों में PNG लाइन बिछने वाली है, यानी जहां पर ये लाइन अब बिछ जाएगी, वहां के लोगों को गैस सिलेंडर घर में रखने की जरूरत नहीं है। उनके घर तक जैसे पानी पहुंचता है, उसी तरीके से गैस पहुंचाया जाएगा। हो सकता है अगर सरकार को खर्चा कम पड़ेगा तो कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी और कुछ डिस्काउंट ऑफर भी मिलेंगे। अब देश के कौन कौन से राज्यों में और कहां कहां पर ये PNG लाइन बिछाई जाएगी, इसकी पूरी जानकारी एक साथ अभी नहीं है। जैसे ही हम उसकी पूरी जानकारी निकालेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, अगला नियम बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि 2019 में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, भाजपा की या कांग्रेस की। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल में इन 80 दवाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, सरकार ने दर्द निवारक एंटीबायोटिक समेत 80 दवाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, सरकार ने जिन दवाओं पर रोक लगाई है, उनमें पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, घबराहट, शरीर में सूजन जैसे रोग में इस्तेमाल होने वाले 80 तरह की दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें, इन दवाओं पर इसलिए रोक लगाई गई है, ये दवाएं बाहर से तो दर्द को कम कर देती हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब समय पर नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन डिलीवरी, ना ही मिलेगा सस्ता सामान, लागू हुआ नया नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि Amazon, Flipkart के लिए 1 फरवरी से नया FDI नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब कंपनियां कोई भी ऑफर नहीं दे सकेंगी। साथ ही में कंपनियों की जिन कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, उनके प्रोडक्ट को नहीं बेच सकेंगी। अब कंपनियों का घाटा होने वाला है, इसीलिए आपको अब जो ऑनलाइन डिलीवरी का समय है वो भी लेट कर दिया गया है। पहले अगर आपको कोई सामान 1 से 2 दिन में मिल जाता था, अब वो आपको 4 से 5 दिन में मिलेगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि SBI का होम लोन हुआ सस्ता, 30 लाख रुपए तक के लोन पर इतना घटाया ब्याज। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दर में कमी किए जाने के एक दिन बाद ही देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 0.05% की कटौती कर दी है। SBI ने बीते दिन शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। अब SBI का होम लोन कुछ हद तक सस्ता हो गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने लिया फैसला, अब यहाँ 24 घंटे खुले रहेंगे मल्टीप्लेक्स और दुकानें, बढ़ेगा रोजगार। आपको बता दें, अब जो मॉल है और मल्टीप्लेक्स है और जो दुकानें हैं, वो 24 घंटे खुली रहेंगी, यानी रात को भी खुली रहेंगी और दिन भर भी खुली रहेंगी। यह निर्णय बुधवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें, फिलहाल इस नियम को गुजरात में लागू किया जाएगा और हो सकता है जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में इस नियम को लागू किया जाए।
बताया जा रहा है कि इससे फायदा होगा और रोजगार बढ़ेगा और लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं 350 करोड़ से वर्ल्ड क्लास बनेगा ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जहाँ से आप मेट्रो का भी सफर कर सकते हैं, इंडियन रेलवे का भी सफर कर सकते हैं, बस का भी सफर कर सकते हैं, टैक्सी का भी सफर कर सकते हैं, साथ ही में आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर आप सभी तरह के सफर कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की कनेक्टिविटी दी जाएगी। आपको बता दें ये रेलवे स्टेशन दिल्ली के बिजवासन में बनाया जा रहा है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि केजरीवाल ने 23 लाख रुपए की लागत से शुरू की बाइक एम्बुलेंस सेवा, मिलेगी ये भी सुविधाएं। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती, इसी वजह से इमरजेंसी के समय लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं अब इसी परेशानी से निजात पाने के लिए दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, यानी बाइक को ही एम्बुलेंस बना दिया गया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 16 बाइक की शुरुआत की है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस सेवा को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए जहां पर एम्बुलेंस को पहुंचने में देर लगती है या कठिनाई होती है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेरोजगारों को मिलेंगे 13,000 रुपए, 21 से 30 साल के युवाओं को दी जाएगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवा को तोहफा दिया है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए और उनको आर्थिक रूप से, आपको बता दें मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 दिन में 13,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें इस योजना को फिलहाल मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं मोदी सरकार की अनूठी प्लानिंग, घर घर आकर देगी पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की तरफ से पेंशन वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें पीएम मोदी ने एक अनूठी योजना बनाई है जिसके तहत देश में जो भी पेंशन पाने वाले लोग हैं उन लोगों का इसका फायदा मिल सके, इसके लिए अब खुद सरकार लोगों के पास घर घर जाकर इसका फायदा देगी। आपको बता दें सरकार इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC का यूज करेगी। LIC का नेटवर्क पूरे देश में हर जगह पर है। आपको बता दें जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या कूड़ा बीनते हैं या ठेला चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, उन सभी को 60 साल के बाद बिल्कुल आसानी से पेंशन दी जाएगी प्रति महीने 3,000 रुपए। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द दे सकती है ये बड़ा तोहफा। PF खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार EPS 1995 स्कीम के तहत न्यूनतम की सीमा को 3,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। आपको बता दें अभी जिन PF खाता धारकों को 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है उसे सरकार 2,000 रुपए बढ़ाकर कुल 3,000 रुपए कर देगी। तो दोस्तों आइए अब उस खबर, उस नियम के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। दोस्तों सरकार जो नया नियम लागू करने वाली है आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर, हो सकता है इसके बारे में आपने बहुत बार सुना हो लेकिन इसका पालन नहीं किया हो। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि अभी तक किसी ने इसको पूरी तरीके से समझाया नहीं ताकि आप इस नियम का पालन कर सकें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सरकार के उस नियम की जो कि सरकार ने पैन कार्ड पर लागू किया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। जिस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने खाते में लिंक करवाते हैं उसी तरीके से अब आपको अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें आज से सिर्फ करीबन 15 दिन रह गए हैं, 31 मार्च 2019 को इसकी आखिरी तारीख है यानी कि लिंक करवाने की। अगर आप अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आपके बैंक खातों पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही में आपने जहां जहां पर पैन कार्ड दे रखा है वहां पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है और आपको आने वाले दिनों में काफी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाने आता है या लैपटॉप चलाने आता है या आपको थोड़ा सा भी स्मार्टफोन चलाने आता है तो आप इस काम को अपने फोन से या आप अपने कंप्यूटर से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी ये सब करने नहीं आता है तो आप किसी कैफे पे यानी कि किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर सिर्फ 10 या 15 रुपए देकर इस काम को करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये काम खुद से करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर उस वक्त मौजूद होना चाहिए। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही आसान है। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत छोटा सा 1-1.5 मिनट का है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको किस वाली वेबसाइट पे जाना है सरकार की और वहां पर आपको कहां पर अपना आधार नंबर लिखना है, कहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कहां पर आपको अपना नाम डालना है, कहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो आप उसे देखकर अपना आधार कार्ड अपने पैन से लिंक कर सकते हैं। उसमें जैसे बताया गया है आप वैसे ही करना, वरना हो सकता है कि आप कोई गलती कर दो। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम
लागू होने वाला है। उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जेब काटने की तैयारी, वित्त मंत्रालय के पास गया एटीएम फीस बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, शायद आप जानते होंगे और हमने भी आपको एक खबर बताई थी कि जल्दी मार्च में 1 लाख से ज्यादा एटीएम मशीन बंद हो जाएंगे। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि जो भी एटीएम मशीन कंपनियां हैं उन्होंने सरकार से एक गुहार लगाई है कि जो भी लोग पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन से उन पर चार्ज बढ़ाया जाए। अगर सरकार कंपनियों का प्रस्ताव मान लेती है तो आने वाले दिनों में आपको, आप जब भी पैसा निकालेंगे एटीएम मशीन से तो आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा और आपके खाते से हर बार पैसा निकालने का कुछ चार्ज कटेगा। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार दे सकती है ये सहूलियत। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको सरकार की तरफ से टैक्स पर काफी अच्छी छूट मिल सकती है, क्योंकि सरकार जो भी उभरते हुए कारोबारी हैं और छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स में छूट देने की घोषणा कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएफ खाता धारक कभी ना करें ये गलती, वरना फंसा रह सकता है आपका पूरा पैसा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर नौकरी बदलते वक्त लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। कई बार लोग दूसरी कंपनी में नया अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब मतलब ये हुआ कि पुराने ऑफिस का जो यूनिवर्सल अकाउंट है यानी जो यूएन नंबर है वो नई कंपनी में नहीं देते और ये लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास 2 पीएफ खाते रहेंगे यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट, तो आपके पहले वाले खाते का पैसा फंसा रह सकता है, साथ ही में आप इस पैसे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सावधानी बरतें और कहीं पर भी जॉब करें तो अपना यूएन नंबर एक ही रखें, जिसे अकाउंट नंबर कहा जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले दिनों में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।